मध्य प्रदेश के खाते में एक और क्रिकेट स्टेडियम का इजाफा होने वाला है। ग्वालियर को अब जल्द ही एक और इंटरनेशनल स्तर का क्रिकेट स्टेडियम मिलने जा रहा है। ये स्टेडियम शंकरपुर में निर्माणाधीन है, जिसका काम दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। खबर ये भी है कि स्टेडियम का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय मैच के साथ ही होगा। इस स्टेडियम को लेकर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी उत्साहित हैं। इसी को लेकर स्टेडियम का निरीक्षण करने के लिए सिंधिया एसपीसीए के अधिकारियों के साथ पहुंचे। निर्माण से लेकर उसकी ड्राइंग तक का जायजा लिया गया। यही नहीं, मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बल्लेबाजी करते हुए भी नजर आए, जबकि अधिकारी और नेता फील्डिंग और गेंदबाजी करते दिखे। सिंधिया ने बल्लेबाजी करते हुए बॉल को खूब उड़ाया और अपनी बल्लेबाजी के जौहर दिखाए। क्रिकेट की बिरादरी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सदैव सकारात्मक तरीके से प्रयासरत है, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे मानव संसाधन को प्रशिक्षण देने की बात हो। और आज इस बात का बड़ा गर्व है हमें कि हमारे दो खिलाड़ी ने इंडियन टीम में भी प्रवेश किया है। उस दिन का हम इंतजार कर रहे थे बहुत ही वर्षों से, जब दोबारा मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का हुनर केवल राष्ट्र स्तर पर नहीं लेकिन विश्व पटल पर हम लोग उजागर कर पाएंगे। दरअसल 60 बीघा में बन रहे इस स्टेडियम में हर रोज अत्याधुनिक मशीनों से लगातार काम जारी है। स्टेडियम में अभी साउथ ईस्ट की बगल से बॉक्सेस बनना शुरू हुए हैं। साथ ही स्टेडियम में 48,595 दर्शकों की क्षमता होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस स्टेडियम को अपने पिता का सपना बताया है। आज ग्वालियर के भविष्य के रत्न का हमने सर्वेक्षण किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम मेरे पूज्य पिताजी का सपना था। बहुत दिनों से वे प्रयासरत थे और आज तीव्र गति से ये सपना साकार होने जा रहा है। सिंधिया आए तो थे स्टेडियम का अवलोकन और कार्य की समीक्षा करने, लेकिन यहाँ पर उनसे राजनीतिक प्रश्न पूछ लिया गया। दिग्विजय के सिंधिया परिवार को गद्दार कहने पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो झल्ला गए और कहा कि खेल के मौके पर आप ये क्या पूछ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने गद्दार जैसे, बाबा आप कहाँ जा रहे हो आप भाई, हम लोग खेल के मैदान पे हैं। सर राजनीति में ऐसे मैं कोई टिप्पणी उस पर नहीं कहूंगा। जो मुझे कहना था मैंने ऑलरेडी मुंगावली में कह दिया। आपको बता दें कि इस स्टेडियम का निर्माण पहले इस साल अप्रैल में होना था, लेकिन कोरोना की दोनों लहरों ने निर्माण कार्य की गति धीमी कर दी। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसके काम को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है। पंजाब केसरी के लिए ग्वालियर से अंकुर जैन। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।